समाज के रीति रिवाज कभी कभी हम पर इतने ज्यादा प्रभाव डाल देते हैं कि हम प्रभु की शक्ति को, परमेश्वर के सामर्थ्य को भूल जाते हैं। आज मैं इसी चीज पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो समाज के रीति रिवाज हैं, जिन्हें हम देखते आए हैं अपने बचपन से, वो इस कदर हम पर हावी हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि वो यीशु मसीह जो हमारे लिए मरा और मर के जिंदा हो गया, उसके रीति रिवाज क्या हैं, उसके नीतियां क्या हैं, उसकी आज्ञाएं क्या हैं, उसकी योजनाएं क्या हैं, वो क्या चाहता है। हम विश्वासी होने के बावजूद भी कभी कभी अनजाने में, कभी कभी समाज के प्रभाव में हम ऐसे काम कर जाते हैं जो कि परमेश्वर के विरुद्ध है। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम ऐसा काम करते हैं तो हम उसके विरुद्ध हो जाते हैं। हम उस काम करने के द्वारा ये बताते हैं कि हमारा विश्वास परमेश्वर के लिए कमजोर है, क्योंकि आपके समाज के रीति रिवाज आपको क्यों कमजोर करते हैं? क्योंकि आपका पूरा विश्वास परमेश्वर पर नहीं है, आपका विश्वास यीशु मसीह पर नहीं है पूरी तरीके से। आज मैं यही आपको वचन के द्वारा बताना चाहूंगा, इसलिए बहुत ही सलीके से, बहुत ही हमें ध्यान पूर्वक समाज में रहते हुए परमेश्वर की महिमा करनी है। कभी अनजाने में हम कोई ऐसा काम ना कर बैठे जो परमेश्वर नहीं चाहता है। आज हम जानेंगे लूका 8 40 से 55 के बीच में। इसमें दो कहानियां हैं, एक 12 साल की औरत जिसका लहू बहता था और एक यार नाम का अधिकारी जिसकी बेटी 12 साल की थी और वो बहुत बीमार थी। और यार नाम का जो आदमी है, इसको लगता था कि मेरी बेटी मरने पर है और वो यीशु मसीह के पास आता है। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु के साथ कहता है कि साहब मेरे घर चलो कि मेरी बेटी को आप बचा लीजिए, उसके सिर पे हाथ रखिए ताकि मेरी बेटी बच जाए। आज मैं इस कहानी से इस दृष्टांत से आपके लिए एक ऐसा वचन लेकर आया हूं जो आपको आप इस समाज के रीति रिवाजों के बारे में आपको बताएगा। हालेलुया। पढ़िए बेटा लूका 8:40-55 हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले कुछ वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसके बात करेंगे, फिर आगे वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। इससे पहले यीशु मसीह कहां गया था? अगर आपको पता है तो गदरेनियों के शहर में गया था, जहां पर एक युवक था जो जिसको सलाखों से, बेड़ियों से लोग बांध के रखते थे, क्योंकि उसके अंदर 2000, कोई कहता 6000 दुष्ट आत्माएं थी, सेना थी। उनको निकालने के बाद यीशु मसीह वापस आता है और लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। और ये वही का दृश्य है कि जब यीशु मसीह वापस आता है, पढ़िए बेटा, जब यीशु लौटा तो लोग उससे आनंद के साथ मिले क्योंकि वे सब उसकी बाट जो रहे थे। हाँ, इंतजार कर रहे थे यीशु मसीह का। हालेलुया। बोलिए। इतने में याईर नामक एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था आया और यीशु के पाँव पर गिर के उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल, क्योंकि उसके 12 वर्ष की एकलौती बेटी थी और वो मरने पर थी। आमीन। यानी कि यार नाम का जो इंसान था, ये अधिकारी था, आराधनालय का अधिकारी था, ये जानता था व्यवस्था को, ये जानता था यीशु मसीह को, इसने पता रखा था कि साहब यीशु मसीह है जो आने वाले हैं, और इसीलिए वो यीशु मसीह के पास आया था और गिड़गिड़ा के कह रहा था कि मेरी बेटी जो मरने पर है, तू मेरे घर चल और उस पर हाथ रख ताकि मेरी बच्ची चंगी हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। इसी बीच में क्या हुआ, हम आगे कहानी पढ़ेंगे कि एक 12 साल की औरत, इतनी भीड़ थी जो यीशु मसीह को घेरे हुए थी, इतने में क्या हुआ कि साहब एक 12 साल की औरत जो कि 12 साल से जो लहू बह रहा था, वो औरत
अपने मन में दृढ़ निश्चय करती है कि अगर मैं यीशु मसीह के कपड़ों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और यहां पर देखते हैं कि वो आती है और यीशु मसीह के कपड़ों को छूती है और वो चंगी हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। वो उसका दृढ़ निश्चय था। अब जब यीशु ने उसे चंगा किया और उससे पूछा कि तूने क्यों मुझे छुआ है, एक वो अलग कहानी है, हम उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब इस काम में 12 साल की औरत, जो 12 साल से जिसका लहू बह रहा था, वो औरत जब यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह चंगाई दे रहे थे, उसमें कुछ समय लग गया। और यहाँ पर क्या होता है कि यार नाम का जो अधिकारी था, उसका कोई रिश्तेदार, उसका कोई दोस्त आता है और वो क्या कहता है, देखिए आप 49 से पढ़िए। 49 से वो ये कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहाँ से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, गुरु को दुख न दे। तेरी बेटी मर गई, उसने ऐलान कर दिया, हालेलुया, क्योंकि वो सांस नहीं ले रही थी। आगे बढ़िए। यीशु ने ये सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वो बच जाएगी। आमीन, हालेलुया। मत डर, केवल विश्वास रख तो वो, यानी कि यीशु मसीह क्या कह रहे थे कि वो जिंदा है। हेलो, यीशु मसीह कह रहे थे वो नहीं मरेगी, लेकिन यहां पर एक आदमी क्या कह रहा है कि वो तो मर गई है। हेलो मेरे भाई, मेरी बहन, मैं आज आपको क्या बताना चाहता हूं, कौन सी चीज आपको कमजोर करती है? आपकी वो संगति जो अविश्वासी है। आप जानते हैं यीशु मसीह को, आप कलीसिया में भी आते हैं, आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए मरा और मर के जिंदा हो गया, लेकिन आपका जो पड़ोसी है वो नहीं जानता है, आपका जो दोस्त है वो नहीं जानता है, आपका जो रिश्तेदार है वो नहीं जानता है कि यीशु मसीह कौन है। और जब वो आपके संग रहता है तो आप उसके साथ अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं और आप उसकी बात को मानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि हमें अपनी संगति उनके संग रखनी है जिनका विश्वास मुकम्मल है। हमारी संगति अविश्वासों के साथ ना हो, जिस तरीके से लिखा हुआ दूसरा कुरिन्थियों 6:14 में कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम असमान जुए में जुतें। हमारी संगति एक विश्वासी के साथ हो जो जाने। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहां जो एक आदमी आता है और वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, आपके संग भी कई बार होता होगा, जब आप यीशु मसीह के बारे में प्रार्थना कर रहे होंगे, जब आप कहते होंगे कि साहब यीशु मसीह मुझे चंगाई देगा, यीशु मसीह मेरे कर्जों से मुक्ति देगा, यीशु ही है जो हमें आशीष देगा, लेकिन कभी ना कभी कोई हो सकता है आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका मामा चाचा ताऊ कहता हुआ, नहीं यार मैं आपको एक आप आइए मेरे साथ, मैं आपको एक जगह लेके चलता हूँ, वहाँ एक बाबा है, एक संत है, हम ऐसा करेंगे तो वहाँ भी ठीक हो जाएंगे, यह भी ठीक हो जाएंगे, और आप उसकी बात मानकर चले जाते हैं। Amen. आप चले जाते क्यों? क्योंकि वो जो आपका मामा है उसको आप 40 साल से देख रहे हैं, वो जो आपका बाप है उसको आप 50 साल से देख रहे हैं, उसका रिश्ता आपके संग है, आप समझते हैं कि आदमी सच बोल रहा है, लेकिन वो जो भाई है, वो जो बहन है, वो जो आपका रिश्तेदार है, उसको ज्ञान ही नहीं है कि यीशु मसीह पुनरुत्थान है, उसको ज्ञान ही नहीं है। है आपका पिता है, वो आपका अच्छा चाहता है, आपका पड़ोसी आपका अच्छा चाहता है, वो आपका मामा चाचा आपका अच्छा चाहता है कि भाई इनका काम सॉल्व हो जाए, इनकी समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि जिस यीशु मसीह को मेरी बहन पूज रही है, मेरा भाई पूज रहा है, वो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, जब हम यीशु मसीह के पास आए तो ये निश्चय कर ले कि हमारा काम होगा। Praise the Lord। यीशु मसीह ने सुना कि क्या कह रहा है वो कि साहब तेरी बेटी मर गई है, उसने कहा नहीं नहीं विश्वास कर, नहीं 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 मरी, मत डर। Amen। जब आप डरते हैं तो आप उस आशीष को खो देते हैं। शैतान का मकसद क्या है? शैतान का मकसद है आपको डराना, आपकी मुसीबतें आपके सामने खड़ा करके वो आपको डराता है।
आपकी समस्याएं आपको खड़ा करके आपको डराता है, आपको परीक्षा में डालकर आपको डराता है कि नहीं होगा, मुमकिन नहीं है। और आप समझ जाते हैं, रिजल्ट आप मान जाते हैं कि नहीं नहीं यस हो सकता है, क्योंकि मेरे चाचा का भी ऐसे हुआ था, मेरे मामा का भी ऐसे हुआ था। मैं आपसे बताऊं मेरे भाई, हमारे अंगीकार करने में ही पाप है अगर हम गलत अंगीकार करते हैं। आप जानते हैं कि आपके जीवन में बीमारियां कैसे आती हैं, आप अपनी जीभ से गलत अंगीकार करते हैं। आप 40 साल के हो गए, आपके घुटने में दर्द शुरू हो गया, आपका पेट में दर्द हुआ, आपके बाल उखड़ गए, और लोग कहते हैं कि साहब क्या हो रहा है भाई, यार दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है। कितने साल का है तू? 40 साल? नहीं, 40 साल के बाद तो होता है, 40 साल के बाद तो भैया घुटने में दर्द और बीमारियां शुरू हो जाती हैं। ये तो होगा, ये तुझे महसूस करना पड़ेगा, ये तुझे अंगीकार करना पड़ेगा, होगा 40 साल के बाद होगा, अभी और बढ़ेगा तो तेरी बीमारियां और बढ़ती जाएंगी। और आप अंगीकार करते हैं, यस हाँ यार बात तो सही है यार, कहाँ लिखा बाइबल में? कहीं बाइबल में लिखा है? यीशु मसीह जीवन देने के लिए धरती पर आया है, आमीन। वो जीवन देने के लिए आया है, नाश करने के लिए नहीं आया है। उसने अपनी कुर्बानी दी ताकि आपको अनंत काल का जीवन दे सके। वो यार नाम का जो अधिकारी है वो जानता था कि यीशु मसीह कौन है, लेकिन जो उसका दोस्त था वो नहीं जानता था। वो आकर कहता है कि अरे भैया गुरु को कष्ट मत दे क्योंकि तेरी बेटी मर गई है। क्योंकि जो भैया थे, जो उसके पड़ोसी थे, जो उसके रिश्तेदार थे, वो जानते ही नहीं थे कि यीशु मसीह मुर्दों को भी जिंदा करता है। अगर वो जानता तो ये नहीं कहता कि इनको कष्ट मत दे कि तेरी बेटी मर गई है, वो ये कहता कि तेरी बेटी मर गई है तो भी गुरु को ले चल, क्योंकि यीशु जाएगा तो वो जीवन पाएगा। आमीन। देखिए यहां पर क्या होता है, यीशु मसीह कैसे कैसे इस चीज को करते हैं, क्लियर करते हैं। देखिए आगे बढ़िए बेटा, घर में आकर उसने पतरस, यहोन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ भीतर आने न दिया। आमीन। क्या किया यीशु मसीह ने? घर आकर यीशु मसीह ने जहां पर लड़की थी वहां सिर्फ पतरस, यहोन्ना, याकूब और माँ बाप को लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि जितने भी उसके रिश्तेदार थे सब अविश्वासी थे। हमारी संगति विश्वास के संग होनी चाहिए। हमारी संगति अगर विश्वासियों के साथ होगी तो हमारा विश्वास प्रबल रहेगा, हमारा विश्वास मजबूत रहेगा। अगर आपकी संगति अविश्वासियों के साथ होगी, हो सकता है आपके घर में कई अविश्वासी होंगे, आपकी सास होगी, आपकी ननद होगी, आपका चाचा होगा, मामा होगा, होगा। लेकिन अगर आपका विश्वास मुकम्मल नहीं है तो आप कहीं ना कहीं उसके बहकावे में आ जाएंगे। वो जो कहेगा आप मानेंगे, आप बाइबल को भूल जाएंगे क्योंकि आपका ज्ञान मुकम्मल नहीं है। वहां पर वो गया, यीशु मसीह गया और अपने संग कौन कौन ले गया? उसके माँ बाप, यूहन्ना, याकूब और पतरस को लेकर गया। आगे बढ़िए बेटा, सब उसके लिए रो पीट रहे थे परंतु उसने कहा रो मत, वो मरी नहीं परंतु सो रही है। 53 वे ये जानकर कि वो मर गई है उसकी हंसी करने लगे। आमेन। आप सोचिए, आप किसी को बोलेंगे आपके घर में कोई मौत हो गई है और पंडित आएगा, इधर के लोग आएंगे, चलो भाई उठाओ 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 कि भाई लेके चलो, और आप कहेंगे कि नहीं साहब बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता है, ये जो मेरा रिश्तेदार है ये अभी जी उठेगा, तो सब लोग क्या कहेंगे आपके पड़ोसी? अरे बेचारी माँ है ना, इसको सदमा लगा है, ये थोड़ी पागल हो गई है। ऐसा कभी होता है क्या? एक बार इंसान मर गया तो मर गया,
आपको आमेन, उनको पता ही नहीं है, वो हंसेंगे आपके ऊपर, वो कहेंगे डॉक्टर को दिखाओ, दिमाग के डॉक्टर को दिखाओ, बेचारी को दिमागी रोग हो गया है, क्यों घर में मौत हो गई है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो इसे आपका पागलपन समझेंगे। जैसे ये लोग जो थे उस समय क्या होता था यहूदियों के यहां, कि जब भी लोग कोई मरते थे उस समय, आज भी है कई जगह ऐसा है कि रोने वालों को बुलाया जाता था। ऐसे लोग हैं जो किसी मौत पे जाकर किसी के यहां रोते हैं, और उस समय क्या है, रोने के लिए 3 दिन रखते थे, 3 दिन आप रो रहे हैं, 7 दिन रो रहे हैं, 10 दिन रो रहे हैं, तो वो पेड़ आदमी होता था, उनको पैसे मिलते थे रोने के। आज भी अगर जाएंगे मारवाड़ीज में, आज भी जाएंगे अगर राजस्थान जाएंगे, तो उस तरफ आपको ऐसे मिलेंगे रीति रिवाज कि अगर कोई मर गया है तो वहां बुलाते हैं, भाड़े के लोग बुलाते हैं कि भाई वो रोए। तो ये जो लोग थे ये भाड़े के लोग थे, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि वो मरी नहीं है, वो सो रही है। देखिए बाइबल में सोने को मरना कहते हैं। लाजर का जब यीशु मसीह ने सुना था, लाजर के बारे में मार्था मरियम ने जब संदेश भिजवाया था, तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि लाजर सो गया है, तो चेले क्या बोले थे कि अगर वो सो गया तो उठ जाएगा। तब यीशु मसीह ने क्लियर कहा कि नहीं, उसकी मौत हो गई है, लेकिन अच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, अब मैं जाऊंगा और वो जिंदा होगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु क्या चाहता है, यीशु मसीह ने उस कमरे में से सबको निकाल दिया, सबको निकाल दिया। आपकी संगति कैसी है, आप किसके संग संगति कर रहे हैं? अगर आपकी संगति अविश्वासियों के बीच में है तो आपके जीवन में विश्वास काम नहीं कर सकता, और अगर करेगा भी तो बहुत कम करेगा, क्योंकि आपकी संगति अविश्वासियों के बीच में। आप सुबह से शाम तक अविश्वासियों की बातें को सुन रहे हैं, आपकी संगति किससे? अगर आपकी संगति विश्वासी के साथ है तो आप आशीष पाएंगे, आप ब्लेस हो जाएंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, अगर आपकी संगति, फिलिपियो 2:2 क्या कहता है कि परमेश्वर का आनंद तब पूरा होता है जब परमेश्वर कहता है कि एक मन, एक दृष्टिकोण, एक प्रेम और एक विचार से मेरे लिए प्रार्थना करो। क्या कहता है फिलिपियो 2:2 बेटा? तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित और एक ही मानसा रखो। आमेन। परमेश्वर का आनंद कब पूरा होता है? जब आप एक मन, एक दृष्टिकोण, एक प्रेम, एक विचार के संग उसकी सेवा करें। यहां पर आप 150 भाई बैठे हैं, 200 भाई बहन बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आपकी विचार अलग धारा है, आप अलग सोच रहे हैं, तो आप उस सामर्थ्य को नहीं देख पाएंगे जो परमेश्वर दिखाना चाहता है। लेकिन अगर आप सबका एक ही विचार होगा, एक ही प्रेम होगा, एक ही दृष्टिकोण होगा कि हम यीशु के घर आए हैं और यीशु मसीह आज चमत्कार करेगा, अगर आप सबका एक ही मन होगा, अगर आप सबका एक ही दृष्टिकोण होगा कि जितने भी भाई बहन यहां पर आए हैं आज यीशु मसीह के घर में आए हैं और सब लोग आशीष पाकर जाएंगे, मिलेगा आपको। जब यहां पर चंगाइयां होती हैं तो कई लोग विश्वास करते हैं और कई लोग संदेह से देखते हैं, संदेह देखते हैं कि पास्टर जो कह रहा क्या होगा, इस बहन को चंगाई मिलेगी, इस भाई को आशीष मिलेगा, आप संदेह से देखते हैं। नहीं मेरे भाई, हमें संदेह से नहीं देखना है, परमेश्वर का जो रिश्ता है वो विश्वास का रिश्ता है, हमें विश्वास से विश्वास की ओर आगे बढ़ना है। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने जब मेरे लिए अपना बलिदान दे दिया, तो आप ये सोचिए कि वो मेरे लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो उसी के लिए, उसी के द्वारा सब कुछ बना हुआ है। प्रेज द लॉर्ड।
हम अपने विश्वास को कैसे मजबूत करें जब हमारी संगति विश्वासियों के साथ होगी। जब हम विश्वास की बात करेंगे, जब हम विश्वास की बात सुनेंगे, जब हम विश्वास को देखेंगे, हमारा विश्वास मजबूत होगा। अगर आप अविश्वास की बात कर सुनते रहेंगे, अगर आप अविश्वास की बात सुनेंगे, अविश्वास ही देखेंगे आप, तो आपका विश्वास, चाहे आप चर्च जाते हैं 20 साल से 25 साल से, आहिस्ता आहिस्ता आपका विश्वास कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कैसा महसूस करें, हर पल हमारा विश्वास, हमारा रिश्ता हमारे यीशु से मजबूत होना चाहिए, हर पल। जितना आपका रिश्ता यीशु से मजबूत होगा, उतना ही आपके जीवन में आशीषों की बारिश होगी। यस, जितना आपका विश्वास कमजोर होगा, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि आपका विश्वास ही नहीं है, आपका विश्वास ही नहीं है। आप मुझे अपने घर बुलाएं और मुझे रोटी खिलाएं, दाल खिलाएं, और मैं अगर अविश्वास से खाऊं कि नहीं यार ये खाना अभी मैं आ गया हूं तो खा रहा हूं, यार जो घर का खाना अलग ही है यार अभी क्या, तो ना तो मेरे मन को सेटिस्फेक्शन होगा, ना ही मेरे पेट भरेगा, ना ही मेरी आत्मा भरेगी, भरेगा। लेकिन अगर मैं विश्वास के संग उस रोटी को ग्रहण करूं जो आपने मुझे दिया है, चाहे वो सूखी रोटी हो, चाहे वो गुड़ हो, चाहे कुछ भी हो, अगर धन्यवाद और विश्वास के संग मैं ग्रहण करूंगा तो मेरी आत्मा तृप्त होगी और मेरा पेट भी भरेगा। आमीन। आप ग्रहण कैसे कर रहे हैं? इब्राहिम को जब परमेश्वर ने बुलाया था उर देश से, तो इब्राहिम के साथ उसका भतीजा लूत भी आ गया था। आमीन। जेनेसिस 13:5-6, लूत भी आ गया था, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि लूत उसके साथ आए, लेकिन लूत भी आ गया था। लूत ने इब्राहिम के साथ रहकर कुछ नहीं किया, सिर्फ इब्राहिम की संगति से उसे आशीष मिला। सिर्फ, देखिए वचन पढ़िए, जेनेसिस उत्पत्ति 13:5-6। लूत के पास भी, जो अब्राहम के साथ चलता था, बेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। लूत के पास भी, पांचवा दोबारा दिखाइए बेटा, लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था, किसके साथ चलता था? अब्राहम को किसने बुलाया? हेलो, किसकी संगति में था लूत? अब्राहम की। हेलो, यहां पर उसने नहीं लिखा हुआ कि परमेश्वर की संगति में था, कहां गया? और लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। आगे, इसीलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसीलिए वे इकट्ठे न रह सके। बहुत धन था, क्या काम किया भाई? उनमें कहीं नहीं लिखा हुआ है। आमीन। बहुत धन हो गया इन दोनों के पास, क्योंकि संगति में थे। इब्राहिम आशीषित था, इब्राहिम चुना गया था, और लूत उसके साथ था। इब्राहिम का आशीष लूत को मिल रहा था। आमीन। आप नहीं जानते हैं, अगर आप विश्वासियों की संगति में रहेंगे, सही विश्वासियों की संगति में रहेंगे, आपके जीवन में बरकत का आशीष रहेगा। और अगर आप अविश्वासियों के बीच में रहेंगे, आपका विश्वास दिन पर दिन कमजोर होता जाएगा और बरकत आपको नहीं मिलेगी। जो बोएंगे आप वही काटेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लूत के पास कुछ नहीं था। लूत अपने चाचा इब्राहिम के संग आया था, लेकिन वो आशीषित क्यों हुआ? क्योंकि वो इब्राहिम के साथ था। आमीन।
जो थोड़ी बहुत भेड़ बकरियां लूत लेकर आया था, बरकत हुई। कैसे हुई? आमीन। देखिए परमेश्वर आपको बरकत कैसे देता है, आपके खाने में बरकत कैसे आती है। याद करिए वो 5 रोटियां और 2 मछलियां, यही होता है हमारे साथ, मेरे साथ। हम राशन लेकर आते हैं और कई दिनों तक, कई महीने तक वो राशन खत्म ही नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनों ने महसूस किया अपने घरों में? मैंने महसूस किया है। लॉकडाउन के वक्त में हमने कोई काम नहीं किया और हमारे चर्च के काफी भाई बहनों ने कोई काम नहीं किया है, लेकिन परमेश्वर ने कभी हमें भूखा नहीं रखा। हमारा वही खाना अद्भुत आशीष देता था, क्योंकि आपकी संगति है, आपकी संगति प्रभु के साथ है, आपकी संगति विश्वासियों के साथ है, आपकी संगति वचन के साथ है, आपके जीवन में, आपके घर में बरकत होना निश्चित है। लेकिन अगर आपकी संगति गलत तरीके से, आपकी संगति गलत आदमियों से, 1 कुरिन्थियों 15:33, धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। लेकिन इस वचन की शुरुआत किससे हुई है? धोखा ना खाओ। क्यों कहा है धोखा ना खाओ? ये उन लोगों के लिए जो अपने आप को बहुत बड़े बुद्धिमान समझते हैं, चतुर समझते हैं, चतुर। अरे हम तो चर्च जाते हैं, कोई भी हमारे साथ हो यार, हमें कैसे बहला फुसला लेगा। अरे हम तो अविश्वासी लड़की भी ले आएंगे तो वो विश्वासी बना देंगे उसको, हम अविश्वासी से शादी करेंगे विश्वासी बन जाएगी। हेलो, कोई भी खाना लाइए मेरे सामने, मैं प्रार्थना करूंगा और शुद्ध करके उसे खा लूंगा। जिसे परमेश्वर ने अशुद्ध किया उसे आप कैसे शुद्ध कर देंगे? इसलिए लिखा है उन लोगों के लिए कि धोखा ना खाओ, अपने आप को 30 मार्का मत समझो। बुरी संगति अच्छे चरित्र को भ्रष्ट कर देती है, यह सत्य है। अगर आपकी संगति अच्छी नहीं है और आप सुबह से शाम तक बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, आप भ्रष्ट हो जाएंगे। ये वचन कोई भी आपके जीवन में काम नहीं करने वाला है, क्योंकि आपकी संगति गलत है। आप समझे कि नहीं 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 नहीं, अरे मैं तो चर्च जाता हूं, अरे मुझे सब पता है, कौन अच्छा है कौन बुरा मुझे सब पता है, मैं पहचान लेता हूं, ऐसे सामने वाले को देखकर पहचान लेता हूं कि कौन कितना है, बस। नहीं मेरे भैया, इसलिए आपके लिए लिखा है धोखा मत खाओ, अपने आप को दीन बनो, डरो कि नहीं नहीं यार, मुझे गलत संगति के साथ नहीं रहना है, मुझे गलत संगति के संग जीवन नहीं बिताना है। देखिए अच्छी संगति से आपको सही शिक्षा मिलती है। क्यों आपके बिगिनिंग के जीवन आपके मां बाप के साए में गुजरता है? क्योंकि मां बाप की शिक्षा अच्छी शिक्षा है। मां बाप एक गुरु के रूप में आपके सामने होते हैं, वो आपको बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो जो मां बाप की शिक्षा है आपके अंत तक आपको याद रहती है कि मेरी मां ने कहा था, गलत तो नहीं कह रहा हूं, मेरे पिता ने कहा था कि भैया ऐसा होता है और हो रहा है। वो मां बाप की शिक्षा जो है वो अंत तक आपके काम आती है। इसलिए अच्छी संगति आपको सही शिक्षा देती है, गलत संगति आपको गलत शिक्षा देती है। आप समझ रहे हैं कि मैं किसी करोड़पति के साथ बैठूंगा तो 4 पैसे आ जाएंगे, लेकिन अगर वो अविश्वासी है तो उसका पैसा भी आपको संभाल नहीं पाएगा। और अगर एक विश्वासी कंगाल है लेकिन उसके पास ज्ञान है तो उसका ज्ञान आपको आशीष देगा, उसका ज्ञान आपको बचाएगा, उसका ज्ञान जो उसके अंदर वचन का ज्ञान है वो बताएगा कि नहीं नहीं भैया ऐसा मत करिए, आप अगर आप ये काम करने वाले हैं तो मत करिए,
अगर आप ऐसा काम करने वाले तो प्रभु को पसंद नहीं है, उसका ज्ञान आपको बताएगा। इसलिए विश्वासी के संग रहना अच्छी बात है, वो विश्वासी के संग संगति रहना। आपको गिनती 11 का 5 में पढ़ाता हूं, जब इसराइली मिस्र से निकले थे तकरीबन 25 लाख लोग थे, 25 लाख लोग, और परमेश्वर ने 10 विपत्तियां मिस्रियों पर डाली और अद्भुत तरीके से इसराइलियों को बताया कि मैं तुम्हें बचाने आया हूं, मैं कौन हूं, लाल समुद्र से लेकर आया परमेश्वर, दिन में बादल का खंभा उनको छाया देता था और रात को आग का खंभा उनको रोशनी देता था, उनको रास्ता देता था। 40 साल तक परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया, संभाला, पत्थर से पानी पिलाया, और वो जानते थे लेकिन फिर भी वो कुड़कुड़ाते थे। वो जो इजरायली से कुड़कुड़ाते थे, क्यों कुड़कुड़ाते थे आपको पता है? क्योंकि उनकी जो संगति थे वो गलत थे। पढ़िए गिनती 11 का 5। हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेंत में खाया करते थे। चौथा। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, मिली जुली भीड़ जो उनके साथ थी वो कामुकता करने लगी। मिली जुली भीड़ किसने कामुकता की? मिली जुली भीड़ ने, इसराइलियों ने नहीं की। इसराइली तो यहोवा का भय था, लेकिन उनके संग जो मिली जुली भीड़ थी, यानी कि कौन थे? उनके रिश्तेदार। क्योंकि इसराइलियों ने मिस्रियों को अपनी लड़कियां दी, मिस्रियों ने अपने लड़के दिए, वो दोनों कुछ लोग मिक्स हो गए, वो मिली जुली भीड़ हो गई। तो जो मिली जुली भीड़ थी वो कामुकता करने लगी, और इसराइली भी फिर रोने और कहने लगे कि हमें मांस खाने को कौन देगा। यानी कि पहले नहीं कहते थे। हेलो, ध्यान से इस वचन को समझने की कोशिश करिए। मिली जुली भीड़ अलग है और इसराइली अलग है, दोनों को एक नहीं बताया यहां पर। हेलो, समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे? मैं आपके लिए दोबारा पढ़ता हूं। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वो कामुकता करने लगी, यानी कि वो व्यभिचार करने लगी, वो गलत तरीके से पेश आने लगी, और इसराइली भी फिर रोने और कहने लगे। पहले नहीं रोते थे, फिर भी पहले नहीं कहते थे, अब कहने लगे कि हमें भी मांस चाहिए भैया, क्योंकि उनकी संगति का प्रभाव आया। इसराइलियों पर क्या आया? मिली जुली भीड़ का प्रभाव। वो ये नहीं कह रहे थे कि मन्ना, धन्यवाद परमेश्वर, आप हमें रोज मन्ना देते हैं, हमने मछलियां खाई, हमने मटन चिकन खाया, लेकिन जब हम दासत्व थे, हम गुलाम थे, लेकिन आज तूने हमें आजाद कर दिया है, और तूने स्वर्गीय मन्ना हमें तो खिला रहा है, तो स्वर्गीय पानी हमें पिला रहा है। वो धन्यवाद नहीं कह रहे हैं। Yes, Lord, ये होता है असर। अगर आप मिली जुली भीड़ हैं, अलग हो जाइए, नहीं तो आपका विश्वास रोज ब रोज कम होता जाएगा और शैतान के शिकंजे में आप चले जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब शैतान आपको खींच लेगा। आप समझेंगे अपने आप को बुद्धिमान, कह रहे शैतान कैसे खींचेगा, मुझे पता है ना सब कुछ। इसलिए उसने कहा धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे लोगों को भ्रष्ट कर देती है। इसलिए जो मिली जुली भीड़ थी उसकी वजह से 40 साल तक जो इसराइली थे वो कुड़कुड़ाते रहे। जो रास्ता लाल समुद्र से कनान देश तक 11 दिन तक का था, 11 दिन का रास्ता था, उसको 40 साल लग गए और वो पहुंच नहीं पाए। और वो जो पीढ़ी थी जो मिस्र से निकली थी वो वहीं मर गई, उनके बच्चे पैदा हुए, वो भी कनान देश में जाकर विश्राम नहीं पा पाए।
प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई कि हमारी संगति किससे रहे, हम क्या सुने, हम क्या कहें। इसलिए मैंने आपको कई बार बताया है, रात को सोते समय जब आप प्रार्थना करें तो ये तीन बातें आप जरूर प्रार्थना में रखिए कि परमेश्वर अगर आज दिन भर मैंने कुछ ऐसा देखा है जो आपकी तरफ से नहीं था तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। परमेश्वर अगर मैंने ऐसा कुछ बोला है, मेरे मुंह से बोला है जो आप नहीं चाहते थे, जो आपके विरुद्ध था, तो उसके लिए माफी चाहती हूं मैं। परमेश्वर मैंने कुछ ऐसा जान पूछकर सुना है जो आपके विरुद्ध है, जिसे आप नहीं चाहते हैं, तो हमें माफी दीजिए। ये तीन माफियां, तीन आपको रात को सोते समय माफी मांगिए। आप शपथ सुनते हैं ना, रोज शपथ हमारे यहां बोली जाती है। दूसरा कुरिन्थियन 10:5 क्या कहता है कि परमेश्वर के विरुद्ध उठने वाले कल्पनाओं का हम विरोध करते हैं और हम उसको गुलाम बनाकर यीशु मसीह का गुलाम बना देते हैं। पढ़िए बेटा, दूसरा कुरिन्थियन 10:5। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ओछी बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। हमारे पास वो अधिकार है, हर वो विचार जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध उठता है, यानी कि मेरे अंदर कोई अगर विचार अविश्वास पैदा करता है तो उसको निकालिए। अगर मेरे अंदर कोई भावना मेरे बाप की हो, मेरे चाचा की हो, मेरे ताऊ की हो, मेरे जीजा की हो, मेरे साले की हो, कुछ भी गलत भावना अगर मेरे अंदर उसके द्वारा आती है, उसको निकालिए, क्योंकि वो गलत विचार जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध है, अगर वो आपके अंदर आ गया तो आपके अंदर पाप बैठ जाएगा, और जब पाप बैठ जाएगा, वो पाप बन जाएगा, तो वो पाप जो है वो आपसे, आपके शरीर से निकालने की कोशिश करेगा ताकि आप पाप करें। यस, रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे 6:13 अगर पढ़िए मेरे बच्चे, 6:13 पढ़िए। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के बारह। इसीलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे, पाप को अंदर मत आने दो। एक बार पाप किसी विचार के द्वारा, किसी दृश्य के द्वारा, किसी भावना के द्वारा अगर तुम्हारे अंदर आ गया तो तुम्हारा वो राज्य करेगा और तुम्हें, तुम उसकी लालसाओं के अधीन नहीं हो जाओ, तुम्हें वो अधीन कर लेगा अपनी लालसाओं के, फिर आपसे वही काम करवाएगा जो आपने देखा है, जो आपने सुना है, क्योंकि जो आपने सुना है गलत, जो आपने देखा है गलत, वो पाप बनकर आपके अंदर राज्य कर रहा है। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है, रोमियो 7:15 लिखे कि जो मैं चाहता हूं वो तो नहीं कर पाता हूं, जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। जिससे मुझे घृणा आती है मैं वही करता हूं, क्यों? क्योंकि करने वाला जो मेरे अंदर है वो है पाप। इसलिए आपकी गलत संगति आपको पाप में फंसा देगी, आपके समाज के गलत रीति रिवाज आपको फंसा देंगे। जैसे कि ये यार का दोस्त, अगर यीशु मसीह नहीं रोकते तो उसने तो कहा था कि तेरी बेटी मर गई है। और मैं आपको बताऊं, जब आप यीशु मसीह के पास आए तो आपके अंदर ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं यीशु मसीह के पास आया हूं, मैंने यीशु से मांगा है, वो अच्छा करेगा ही करेगा।
देखिए मैं आपको दिखाऊं, मरकुस देखिए, मरकुस मरकुस पांच निकालिए, मरकुस पांच निकालिए। एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, आपको एक चीज सिखाता हूं। सीखने के लिए तैयार है? यस। एक वचन सीखने के लिए तैयार है? यस। पक्का? हालेलुया। देखिए पांच का अट्ठाईस, पांच का अट्ठाईस, क्योंकि वो कहती थी हमें कैसे चलना है जीवन को। अब यहां पर वो 12 साल की औरत जो 12 साल से लहू की बीमारी से ग्रस्त थी, वो औरत यहां पर है और वो क्या कहती है, देखिए मैं वचन क्या कहता है, आपको मसीह जीवन कैसे जीना है, आप मसीह जीवन कैसे जीना चाहते हैं। हालेलुया। इससे पहले मैं आपको एक और वचन बताता हूं, मरकुस 11 का 23, मरकुस 11 का 23, उसके बाद मैं इस पे आऊंगा, मरकुस 5 का 28। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो मैं कहता हूँ वो हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। ये परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। एक मसीह जीवन हमको किस तरीके से जीना है, हमको अपनी समस्याओं से कहना है, हमने पहाड़ से कहा कि पहाड़ उठ और निकल जाए, ऐ समस्या उठ, ऐ बीमारी निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से वो निकलेगी। हेलो। ये जो औरत थी 12 साल से लहू की बीमारी से ग्रस्त थी, इसने क्या किया, इसने इस कानून को माना, इसने इस नियम को माना, लेकिन क्या लिख दिया, 5 का 28, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आमीन। हेलो हेलो, आप लोग समझे नहीं अभी तक, वो औरत कहती थी, यीशु से मिलने से पहले कहती थी, घर से निकलने से पहले कहती थी कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी। वो कह रही है मैं चर्च जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी, मैं यीशु का नाम लूंगी, चंगी हो जाऊंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कह रही है और उसने वो किया। क्या आप कहते हैं, क्या आप अपनी बीमारियों से कहते हैं, क्या अपनी समस्याओं से कहते हैं? वो कह रही है, उसने उस नियम को माना। यीशु मसीह ने क्या कहा, मरकुस 11 का 23, कि जो कोई इस पहाड़ से कहेगा कि उठकर समुद्र में जागिर, वो उठेगा और निकल जाएगा, वो पहाड़ उठेगा और समुद्र में जागिरेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये औरत क्या बोल रही है, ये औरत कहती थी कि मैं अगर यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। कह रही है कि आज अपनी बीमारियों से आप कह रहे हैं क्या, बीमारी यीशु मसीह के नाम से निकल जा, कि आप कह रहे हैं कि ऐ बांझ, ऐ मेरी कोख, जिसमें बीज नहीं है उसमें बीज आए यीशु मसीह के नाम से, मुझे बीज चाहिए इससे इस कोख में, क्या आप कह रहे हैं? विश्वास के संग कहिए, बोलिए, अपनी समस्याओं से कहिए, अपनी बीमारियों से कहिए, अपने कर्जों से कहिए कि निकल जा, मैं कहता हूं, कहिए उसे, बोलिए। उसने बोला, वो अपने घर से बोलती हुई कि मैं अगर यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और हजारों की भीड़ थी। वो कमजोर औरत, आप सोचिए 12 साल से जिसका लहू बहता है, आप एक बहन है, एक औरत है, वो क्या चल पा रही होगी, वो क्या बोल पा रही होगी, लेकिन उसके अंदर विश्वास था, उसके अंदर दृढ़ विश्वास था कि अगर मैं यीशु के कपड़ों को छीलूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो ये कहती आ रही थी, ये विश्वास आपको रखना है कि मैं चर्च जा रही हूं, मैं यीशु मसीह के घर जा रही हूं, मेरी समस्या का समाधान होगा, मुझे शांति मिलेगी। आप मांगना शुरू करिए, बोलना शुरू करिए, अपनी समस्याओं को कहना शुरू करिए।
जब आप अपनी समस्या को कहना शुरू करेंगे, मेरी बहन, वचन आपके जीवन में काम होगा, वचन आपके जीवन में काम करेगा। वो कह रही थी, उसने विश्वास के संग कहा, और यीशु मसीह ने अंत में क्या कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन। मैंने चंगा नहीं किया तुझे, यीशु मसीह क्या कहता है कि तू खुद चंगाई ले सकती है, तू खुद चंगाई ले सकता है, मैं तुझे देने वाला नहीं हूं। मेरे भाई, ये यीशु का घर है, या हम लेने आए हैं। अगर आपको लेना आता है तो आप ले लेंगे, अगर आपको लेना नहीं आता है तो आप ऐसे ही चले जाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करने आए हैं। यहां पर आप परमेश्वर के घर में आए हैं, आप उस परमेश्वर के घर में आए हैं जो सर्वशक्तिमान है, जो अल एलोहीम है, जिसके नाम में शिफा है, जो शैतान को हरा चुका है, जो मर के जिंदा हो गया है। हमें कहना है, हमें कहना है, अपने प्रॉब्लम से कहना है, अपने दुख से कहना है, अपनी गरीबी से कहना है कि हट, बोलना है कि नहीं, अब मेरे घर में कोई गरीबी नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम से, अब मेरे घर में दुष्ट आत्मा नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम से, अब मेरे घर में सताव नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम से, अब मेरे घर में बेचैनी नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम से, अब मेरे घर में अशांति नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम से। आपको बोलना है, अब मेरे पूरे बच्चे, मेरा पति, मेरा पूरा परिवार यीशु मसीह में आएगा। बोलना है आपको, और उसके बाद आप चमत्कार देखिए। प्रतीति कर लो कि तुम्हारा काम हो गया है, वो हो जाएगा। प्रतीति करो, महसूस करो, महसूस करो कि आपने बोला है और वो काम हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कि मैं यीशु मसीह का प्रचार यूं ही करता हूं, कि मैंने यूं ही बॉलीवुड में, आपका बॉलीवुड को छोड़ दिया, 8-10 फिल्मों का मैं हीरो रह चुका हूं, लेकिन मैं किसकी पूजा करता हूं? उस परमेश्वर की पूजा करता हूं, उस यीशु मसीह की जो जीवित है, वो जो कहता है वो करता है। हम उसके पास आए हैं, लेकिन विश्वास के संग आइए, और अगर आप उसके पास आए हैं तो उसके पास ठहरिए, विश्वास करिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, जो मैंने मांगा है वो होगा। ये आपको विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास के संग परमेश्वर के चरणों को पकड़ लीजिए मजबूत। आमीन। परमेश्वर उनका परमेश्वर है, यीशु मसीह उनके साथ है जो विश्वास करते हैं। ये याद रखिएगा, अगर आप विश्वास से आते हैं तो आइए, क्योंकि आपको आशीष मिलेगा तो मुझे खुशी होगी। पूरा हफ्ता मैं अपने पूरे कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूं, घुटने टेक कर। पूरा हफ्ता मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं ताकि आप आशीष पाएं। लेकिन विश्वास आपको करना है, विश्वास आपको करना है मेरे भाई, मेरी बहन। विश्वास के संग बोलिए, आपका अगर धंधा मंदा चल रहा है, बोलिए कि यीशु मसीह के नाम से मेरे दरवाजे खुलेंगे, मेरी फैक्ट्री के दरवाजे खुलेंगे, मेरे काम के दरवाजे खुलेंगे यीशु मसीह के नाम से। बोलिए, बोलिए। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, और उसने आपके लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया है। वो चाहता है कि आप हर पल अंगीकार करें। वो चाहता है कि जो सामर्थ्य, जो अधिकार उसने आपको दिया है, आप उसका उपयोग करिए। यूं ही मत बैठिए हाथ प्यार धर के, आज नहीं तो कल नहीं होगा। नहीं होगा, होगा। यीशु मसीह के नाम में असंभव चीज नहीं है, वो असंभव को संभव करने वाला है।
हम जो मांग रहे हैं वो होगा। मेरे भाई, मैं आपको सच कह रहा हूं, जीवन देने के लिए परमेश्वर आया। ले लीजिए, ले लीजिए, अंगीकार करिए। यस, इस वचन को अपना बना लीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है, इसलिए मेरे द्वारा यह वचन आपको दिया है। अब आप इस वचन को, जीवित वचन को अपने अंदर लेकर, जब आप इसका प्रभाव करेंगे, जब आप बोलेंगे उस 12 साल की लहू की बीमारी से, बहती हुई औरत से, वो जो औरत थी जिसको बीमारी थी, जिस तरीके से उसने बोला था, उसी तरीके से आप अपनी बीमारियों से बोलिए, आप अपनी समस्याओं से बोलिए, और विश्वास के संग बोलिए, होगा। आपको काम नहीं मिल रहा है, वो मिलेगा। दरवाजे खोलिए, दरवाजे खोलेंगे। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। कितनों ने आज का वचन ग्रहण किया? कितनों ने विश्वास किया कि आज से आपकी समस्या आपके घर में नहीं रहेगी? कितने विश्वास करते हैं? बोलिए, मैं करता हूं। एक साथ नहीं आ रही आवाज, बोलिए, मैं करता हूं। आमीन। आप विश्वास करते हैं? yes. कि आज से बीमारियां, समस्याएं, कर्जे आपके घर में नहीं रहेंगे? आमीन। yes. जोर से तालियां बजाइए। हम बीमारी कर्जों के गुलाम हैं क्या? हर बीमारी, हर कर्जा, हर मुसीबत यीशु मसीह के पैर के नीचे है। आमीन। और हम कौन है? उसके शरीर का हिस्सा। पैर क्या है? उसके शरीर का हिस्सा। यानी कि हर चीज जो यीशु मसीह ने उसको खत्म कर दिया है, अधिकार दिया है कि हम उसके नाम से उसको विजयी करें। डरिए मत, प्रभु हमारे साथ है। बोलिए यीशु मसीह की जय। जोर से बोलिए, यीशु मसीह की जय। बोलिए यीशु मसीह की जय। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है।